योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने पार्टी के खिलाफ ही खोल दिया है मोर्चा। सपा नेता रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी ज्वाइन कराने पर जताया दुख। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी प्रयागराज दक्षिणी से है विधायक। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपनी ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सपा नेता रईसचंद्र शुक्ला को बीजेपी ज्वाइन कराने पर गहरा दुख जताया है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने इसे बीजेपी की रीति नीति और लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों के प्रतिकूल बताया। बता दें कि औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी को इस बार बीजेपी ने प्रयागराज से मेयर पद का प्रत्याशी नहीं बनाया है। बीजेपी ने उमेश चंद्र गणेश केसरवानी को प्रयागराज से मेयर पद के लिए कैंडिडेट घोषित किया है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी प्रयागराज दक्षिणी से विधायक हैं। मंत्री की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, स्थानीय विधायक के रूप में मुझे विश्वास में लेना तो दूर, बिना कोई औपचारिक सूचना दिए मेरे खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव लड़कर बुरी तरह से चुनाव हारे रईस चंद्र शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने का प्रस्तावित कार्यक्रम घोर अपमानजनक और आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक की अवहेलना और उपेक्षा करते हुए विपक्षी उम्मीदवार को पार्टी ज्वाइन कराना बेहद गंभीर प्रकरण और गहरी साजिश है, अवैध है। नंदी ने आगे कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति और पार्टी के लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था के सिद्धांत से सर्वथा प्रतिकूल है। जो लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं और अपनी हठ धर्मिता से पार्टी को लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं, उनके इस मनमाने रवैये की घोर निंदा करता हूं। ये रवैया पार्टी की मूल वैचारिकी और कार्य पद्धति के पूर्णतः विपरीत है। तो इस तरह से नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।